हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के एक्टिविटी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बाकी सारे चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके जरूर चेक करना। अगर चैनल के प्लेलिस्ट पर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे चैप्टर कंप्लीट है वहाँ पर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के एक्टिविटी क्वेश्चन। साथ के साथ अपनी बुक को आप ओपन करना, पेज नंबर में एक्टिविटी देख के फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट एक्टिविटी 8.1, एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर, मतलब एयर भी जो है वो प्रेशर लगाती है। पेज नंबर आपकी बुक में जो है 85 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बुक में एक्टिविटी को जरूर रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द कैन गेट क्रश्ड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैन जो है वो थी, वो क्रश हो गई थी, सिकुड़ गई थी, तो क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुई थी? तो यस, ये क्या है, ट्रू। एयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर, एयर जो है प्रेशर लगाती है, तो राइट, एयर जो है प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट आपके बुक का पेज नंबर 86 है। पेज नंबर 86 में एक्टिविटी 8.2, हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब अगर हाई स्पीड से विंड होती है तो एयर प्रेशर को रिड्यूस करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, बोथ बैलून शुड बी ऑफ इक्वल साइज, दो बैलून लिए थे वो दोनों इक्वल साइज के थे, तो ट्रू। द फास्ट मूविंग विंड क्रिएट डैश प्रेशर, अगर जो विंड होती है वो ज़्यादा तेज चलती है तो प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 8.3, एयर एक्सपेंड ऑन हीट, एयर जो है हीट हो जब होती है तो एक्सपेंड होती है, इसकी एक्टिविटी है। ठीक है, तो द एयर डैश ऑन हीट, जब एयर को हीट किया जाता है तो क्या होती है, अभी जस्ट हमने यहाँ पढ़ा एक्सपेंड, ठीक है, मतलब फैल जाती है, जब एयर हीट होती है तो फैल जाती है। ऑन कूलिंग द बॉइलिंग ट्यूब द बैलून एक्सपेंड, जब कूल होती है बॉइलिंग ट्यूब तो बैलून एक्सपेंड हो जाता है, तो राइट आंसर क्या है, फॉल्स। जब वो कूल होगी तो बैलून एक्सपेंड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ सा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 8.4, हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा होती है उससे गर्म हवा हल्की होती है। तो फर्स्ट हॉट एयर इज़ डैश देन द कोल्ड एयर, हॉट एयर जो है कोल्ड एयर से कैसी होती है, लाइटर, मींस हल्की होती है, जो गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है, ऊपर जाती है, और ऊपर की जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है तो वो नीचे आती है, जिसकी वजह से विंड चलती है। द पेपर कप ओवर द बर्निंग कैंडल कम डाउन एज इट बिकम हैवी, तो क्या है, फॉल्स, क्योंकि पेपर कप जो है जब जलेगा तो वो क्या होगा, हल्का होगा, तो वो हैवी नहीं होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन से मिलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोग देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।